हेलो माय फूडीज फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में हमें बहुत ताज़ा ताज़ा जूस बहुत पसंद आता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या आई हूँ, नींबू का शरबत। इसके लिए मैंने लिए है 6 नींबू। तो ये देखिए, ये नींबू के छिलके बहुत ज़्यादा पतले पतले हैं। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ बीच से। हमेशा हम एक ही तरह का नींबू पानी पीते हैं, तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत सारे फ्लेवर्स लेके आई हूँ, जिससे आप जो पसंद हो वो नींबू पानी पीजिए। बहुत टेस्टी लगता है पीने में। तो ये देखिए, इसके छिलके कितने ज़्यादा पतले हैं। इस तरह के अगर आप नींबू लेंगे ना, तो उसमें रस भी बहुत अच्छा निकलता है। अब मैं इसे सारे के सारे नींबू को इसी तरीके से कट कर लूँगी। देखिए, सारे के सारे नींबू कट कर लिया है। अब मैं निकालने वाली हूँ इस नींबू का रस, और ये जो छिलके हैं इसे भी मैं यूटिलाइज कर लूँगी। तो अब इस सारे के सारे नींबू का चलिए रस निकाल लेते हैं। अब लेते हैं एक बाउल। मेरे पास नींबू का ये मशीन है, इसलिए मैं इससे नींबू निचोड़ी। आप हाथों से भी नींबू निचोड़ सकते हैं। बस हमें इन सारे के सारे नींबू का अच्छे तरीके से रस निकाल लेना है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर बना रही हूँ 4 तरह के फ्लेवर, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 नींबू यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा फ्लेवर बनाना चाहते हो तो ज़्यादा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 नींबू का यूज़ कर रही हूँ, और सारे के सारे नींबू का अब रस निकाल लूँगी। तो ये देखिए, सारा का सारा रस निकल चुका है। तो जितना हमें यहाँ पर रस लगा, उसके डबल क्वांटिटी में हमें यहाँ पर चीनी लेनी है। अक्सर क्या होता है, चीनी को घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा कि चीनी को किस तरीके से जल्दी जल्दी हमें प्रोसेस करना है, ताकि जल्दी जल्दी चीनी घुल जाए। तो ये जो 1/2 कटोरी मैंने चीनी लिया है, इसके लिए मैं लेके रही हूँ बाउल। और जो चीनी जितना मैंने लिया था, वो चीनी यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी। तो जितना हमने यहाँ पर चीनी यूज़ किया था, बिल्कुल उतना ही हम पानी भी यूज़ करेंगे, और इसको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑन, और ये जो हमारा चीनी वाला पानी है, इसे यहाँ पर रख देंगे। और तो गैस ऑन करने के बाद, जब तक हमारी चीनी अच्छी तरीके से घुलेगी नहीं ना, तब तक हम इस तरीके से इसे पका लेंगे। और अभी देखिए, चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है। तो अब कर देते हैं गैस के फ्लेम को ऑफ, और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है, और आपका फटाफट से नींबू का जो पानी है, या फिर आप जो भी यूज़ करने वाले हो, वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। तो ये जो नींबू था, हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, और इसका एक सिरप बना करके रेडी कर लिया। अब जब चाहो तब नींबू का पानी बनाकर यूज़ कर सकते हो। इसे आप फ्रिज में 10 दिनों के लिए रख भी सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये भी सब हम साइड कर लेते हैं और चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बना रही हूँ नींबू की सिकंजी। तो यहाँ पर हम 3 बड़े चम्मच नींबू का पानी का जो सिरप बनाया था, वो रेडी किया हुआ है, वो लेंगे। मैं यहाँ पर एक कटोरी के नाप से ले रही हूँ, या आप 3 बड़े चम्मच रस ले लीजिएगा। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बर्फ़। बर्फ़ को तो ऐड करना ही होगा, क्योंकि इतनी गर्मी है, और गर्मी में ठंडा ठंडा पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं पानी। तो ये जो नॉर्मल हम नींबू की सिकंजी पीते हैं, बिल्कुल वही है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक एंड वाइट सॉल्ट, और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजी तरीके से नींबू पानी बन करके रेडी हो चुका है। तो ये हमारा नॉर्मल नींबू पानी था, जो हम घर पर अक्सर बनाया करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे फ्लेवर की तरफ। तो ये है हमारा सेकंड फ्लेवर। यहाँ पर लिया मैंने तरबूज। गर्मियों में तरबूज बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, जल्दी से जल्द ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, फटाफट से ये ग्राइंड हो चुका है, लेकिन हमें इसे स्टर करना होगा फ्रेंड, क्योंकि इसके अंदर जो छिलके वगैरह रह जाते हैं, इसीलिए हम इसे छान लेंगे। और वापस से मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच नींबू का सिरप, और यहाँ पर ऐड करेंगे बर्फ़। और हमने छान लिया था वो जो तरबूज का हमने रस निकाला था, उसे छान लिया था, और अब हम यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे। और मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। फटाफट इसे पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत ही चटपटा सा तरबूज के फ्लेवर वाला वाटरमेलन नींबू पानी बन जाएगा। यहाँ पर चाट मसाला ऐड करने के बाद उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हो कितना कलरफुल लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। खाने में, पीने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल तरोताज़ा कर देगा आपको। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फ्लेवर की तरफ। ये है क्यूकम्बर, यानी कि खीरा। गर्मियों में बहुत अच्छा होता है खीरा खाना। तो खीरे को भी हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हल्का सा पानी ऐड करिए, ताकि बहुत अच्छे तरीके से खीरा ग्राइंड हो जाए। तो खीरा जो है वो ग्राइंड हो चुका है, इसे भी खोल के देखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमारा खीरा ग्राइंड हो चुका है। इसे भी हम पहले छान करके अलग कर लेंगे। और यहाँ पर मैं वापस से डाल रही हूँ 3 चम्मच नींबू का रस, और थोड़ा सा बर्फ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और जो हमने खीरे को छान के रखा था ना, वो यहाँ पर रस उसका
ऐड कर लेते हैं। ये वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा बना था फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर हमने चाट मसाला, नमक, हल्की सी गुड़ मिर्ची पाउडर सब ऐड किया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बना था। सारे मसाले यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर भी हमने इसमें यूज़ किया है, और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए खीरे का जूस भी बन करके रेडी हो चुका है, मीन्स आपका क्यूकम्बर नींबू पानी बन करके रेडी हो चुका है। तो थर्ड फ्लेवर तो हो चुका है, अब हम चलते हैं फोर्थ फ्लेवर की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा पपाया, अब भी आ गया है आम का सीज़न, अगर आम अवेलेबल हो तो आप आम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पपाया को भी अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंड आम है तो प्लीज़ आप आम ही यूज़ कीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हम छान करके थोड़ा सा अलग कर लेंगे, और अब हम लेते हैं एक ग्लास। ग्लास में हम नींबू का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो जितने मैंने मिक्सचर रेडी किए थे उससे मेरा चार ग्लास बन करके रेडी हो गया है, और इसमें हम अपना जो पपाया का जूस था वो यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, और इसे फटाफट मिला देते हैं। तो ये चारों फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे, आप भी यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर कौन सा लगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।